सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल में एनसीईआरटी कक्षा 8, 9 और 10 गणित का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.5 प्रश्न 7 और 8। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 और 8 करते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में ये समीकरण दे रखी है, इसको क्या करना है, पहले सरल करना है फिर इसका हल करना है। यानी इसमें हमें जो चर दे रखा है टी, इसका मान बताना है। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें दिए हुए चर का मान ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, पहले हम प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में समीकरण दिए है 3 ब्रैकेट में टी माइनस 3 बराबर 5 और ब्रैकेट में 2t प्लस 1। ठीक है बच्चों, बराबर के इस साइड को हम कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे 3 टी और माइनस 3 दोनों को ही गुणा करेगा। चलिए कर लेते हैं, 3 और टी की गुणा क्या हो जाएगी 3 टी, फिर ये ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, 3 और माइनस 3, तो माइनस का माइनस लगा दो, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा बराबर। ऐसा ही इधर कर लो, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे 5 2 टी और 1 दोनों को ही गुणा करेगा, तो 5 और 2 की गुणा होती है 10 और यहाँ टी का टी, यानी 2t की गुणा 5 से करेंगे तो 10t आएगा। प्लस लगाएं और 5 एक कम 5 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, टी और टी इन दोनों को LHS में लिख लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टी का मान निकालना है। ठीक है, 3t माइनस 10t। ठीक है, यहाँ 10t के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या बचा 5, और ये माइनस का जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9। संख्या संख्या को एक तरफ और चर चर को एक तरफ, यानी टी और टी को एक तरफ कर लिया हमने। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है 3t के आगे, तो ये प्लस का है, तो इसको हम घटा सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, जब प्लस माइनस में होता है तो घटता है। 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7t। अब ये माइनस का बचेगा या प्लस का, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से चिन्ह की संख्या बड़ी है। तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ माइनस का 7, ठीक बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14, 5 और 9 14। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, तो टी बराबर इस संख्या को भी RHS में लेकर जाएंगे, यानी 14 के पास, तो ये जाएगी बटे में माइनस 7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 7 और टी के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है, बट उसका चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो हमें आंसर मिलेगा 2 बटे माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस के 1 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे होगा प्लस का 1, और प्लस का 1 हम नीचे होता है तो लिखते नहीं है, तो हमें टी का मान प्राप्त होगा -2। यही हमारे इस समीकरण का हल है और यही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 15 ब्रैकेट में बाई माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में बाई माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में बाई प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो जैसे जैसे हम ब्रैकेट हटाते जाएंगे, अंदर जो संख्याएं हैं उनकी गुणा होती जाएगी बाहर वाली संख्याओं से, तो 15 और बाई की गुणा हो जाएगी 15 बाई। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और 15 और 4 की गुणा हो जाएगी 15 चौक 60, यह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ माइनस के 2 हैं। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 2 और ये बाई,
वाई किसका, प्लस का, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का होता है। ठीक, तो जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, दो और वाई की गुणा हो जाएगी दो वाई। ये वाली बात ख़त्म हो गई। ठीक, अब बचा आपका माइनस नौ, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगी क्या होगा, माइनस और माइनस की गुणा होगी, हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। ठीक है, दो गुणा नौ की अट्ठारह हो जाएगी, यानी दो गुणा नौ अठारह हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस का प्लस लगाएंगे, पाँच और वाई गुणा पाँच वाई, जब प्लस और प्लस हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, समय प्लस लगा दें। फिर पाँच और छः की गुणा होगी तो प्लस का तीस बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, हमें LHS में वाई 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 रखना, क्योंकि हमें वाई का मान निकालना है, और RHS में हमें ले जाना है संख्याओं को। ठीक है, तो देखो यहाँ पंद्रह वाई माइनस दो वाई प्लस पाँच वाई, इसको यहीं रोक दो, पंद्रह वाई माइनस दो वाई और प्लस पाँच वाई बराबर यहाँ क्या है, जीरो है, जीरो लिख लो। फिर देखो यहाँ पर है माइनस का साठ इधर जाएगा, प्लस का साठ हो जाएगा, फिर है प्लस का अट्ठारह इधर जाएगा तो माइनस का अट्ठारह हो जाएगा, फिर इधर प्लस के तीस हैं तो इधर जाएंगे माइनस के तीस हो जाएंगे। जब प्लस माइनस वाली संख्याओं की साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, फिर वो संख्या हों या चर हों। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। अब इस पंद्रह के आगे कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पंद्रह बाई प्लस के हैं और पाँच बाई प्लस के, ये बीस हो जाएंगे, और माइनस के दो बाई हैं, ये प्लस के बीस बाई हो गए और माइनस के दो बाई वो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, प्लस के अट्ठारह बाई बराबर। देखिए जीरो का तो कोई मान ही नहीं है, जीरो और साठ को जोड़ेंगे तो साठ हो जाएगा, साठ प्लस के हैं और तीस माइनस के हैं तो कितना बचेगा, प्लस माइनस की संख्या घटती है तीस बचेगा, तीस प्लस का होगा, तीस में से ये अट्ठारह घटा देंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, तो कितना बचेगा, प्लस का बारह। एक बार यहाँ समझ लेते हैं, देखिए साठ माइनस अट्ठारह माइनस तीस। ठीक है, ये साठ किसके हैं, प्लस के, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, साठ और तीस घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का तीस बचेगा, और इसमें से फिर माइनस अट्ठारह करेंगे तो कितना बचेगा, बारह प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक, अब क्या करना है, हमें इस अट्ठारह को भी RHS में लेकर जाना है, तो बाई बराबर बारह बटे अट्ठारह। ठीक है, बाई और अट्ठारह के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, बटे में। ठीक, अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएँ पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो छः है, छः से छः दूनी बारह और छतियाँ अट्ठारह। ठीक, अब कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, कोई नहीं है, तो बाई का हल क्या हो जाएगा, दो बटे तीन, और यही इस समीकरण का उत्तर है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।